अंबुजा पब्लिक स्कूल राबडियावास सत्र में प्रवेश प्रारंभ 2022-23 कक्षा पीजी से पांचवीं तक सत्र 2022-2023 में विशेष योजना अंतर्गत ACL और नॉन ACL बालिकाओं के विशेष योजना के अंतर्गत किताबें और उत्तर पुस्तिकाएं निःशुल्क। नॉन ACL बालक बालिकाओं के लिए विशेष योजना के अंतर्गत विद्यालय शुल्क में भारी छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एक और सरकार गरीबों के लिए हर तरह से गरीबी मिटाने के लिए प्रयासरत है तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत है इसको काम करने की लगी नहीं हुई है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बगड़ी कलालिया का सामने आया है, जहां पर बगड़ी कलालिया स्थित नारायण सिंह पुत्र जवान सिंह एक अनाथ बालक है जिसके माता पिता का निधन बहुत समय पहले हो गया था। नारायण सिंह के पीएम आवास का मकान आवंटित हुआ लेकिन ग्राम पंचायत में अपने स्तर पर निरस्त कर दिया। आज हुई ग्राम सभा में नारायण सिंह उपस्थित होकर अपनी वेदना बताई। जब ग्रामीणों को इस बात का पता लगा तो पंचायत कार्यालय पर भारी विरोध किया गया। नारायण सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के कार्मिकों ने मेरे घर आकर बताया कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आया हुआ है, इसलिए हम सर्वे के लिए आएंगे, मकान की फोटो खींच लेंगे। आपका जो ये टूटा फूटा मकान है इसको गिराकर नया निर्माण शुरू करो। जब मैंने मकान गिरा दिया उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि आपके मकान नहीं आया है। इस दौरान नारायण सिंह, खुम सिंह, उगम सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। छोटे बच्चे पूछो इनको, ये सब ये पार्टी आप तो इसकी सुविधा जो हो सकती है वो करो, ये सब का इस नफरे में कोई मतलब नहीं। उसके ऊपर क्या बोल सकते मालूम है, ये इसकी बहन है, ये तो नहीं इसकी सुविधा। भाई इसकी सुविधा तो जो भी है आपके रास्ता मालूम है, आप बताओ तो इसको ये करना पड़ेगा। अब उसके तो डालो, उसके तो डालो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। कितनी साल से परेशान है और ये पूरा परिवार 5-6 दिन गई उसको ये बदलने में पा रही है। अभी होगा समय में पाए कहीं कहीं तो होगा रास्ते तो होना चाहिए उसका। ये गरीब है, इस गरीब अभी तक कोई 50 साल के सामने पंचायत में आया, मेरा मकान पास हुआ तो सो दिया, मकान धुला दिया। हाँ ठीक है, और फिर पंचायत वाला ने क्या बोला कि मकान पास हो गया? मकान पास हो गया पंचायत वाला ने बोला, तो मकान धुला दो हम नींव खोदेंगे। वो पंचायत वाला बोला के दसो दो वो नीम हिम खोएंगे जब भी बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी तक बना नहीं? अभी तक बना नहीं। माँ बाप कहें आपके? माँ बाप मर गए। माँ बाप कितने साल हुए मरे? तीन चार साल हो गए। माँ बाप मर गए। अनाथ हो? हाँ। कितने भाई बहन हो? बहन थे चार। हाँ भाई मैं एक हूँ। भाई एक हो और इनके माँ बाप गुजरे काफ़ी साल हो गया उनको, और भैया ऐसे ऐसे भटक रहे थे उधर, और उनके मकान की सुविधा अभी तक हुई नहीं है। मैं ये चाहता हूँ इसके मकान की सुविधा हो यार, बेचारे को इनका हक मिले और जितना जल्दी हो सके उतने मेरी ये सोच है। और भी ऐसा हालात देख रहे उसकी अगर कुछ व्यवस्था नहीं करे तो फिर ग्रामवासियों से कोई मतलब ही नहीं कि किसी का हक नहीं मिले, और सरपंच वगैरह ये ऐसे ही घूमते फिरते रहे और नहीं देखे ग्रामीण में आके कि मतलब ये हालात इनके ऐसे हो रहे और ये सुविधा नहीं हो रही है, तो फिर क्या मतलब चुनने का उनका। मैं तो ये चाहता हूँ उनको हक मिले और इनको हक दिलाए जितना हो सके उतना।